नमस्कार दोस्तों, तो एक बड़ी खबर है आप सभी बच्चों के लिए। नमार डेवलपमेंट असिस्टेंट का एडमिट कार्ड आ चुका है। अब आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करके। वैसे तो मैंने लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। इसके अलावा कुछ ही दिन आप लोगों के पास एग्ज़ाम के लिए हैं, तो उसके बारे में मैं डिटेल बताऊँ। उससे पहले हमारे स्पॉन्सर के बारे में कुछ बातें। ओलीबोर्ड आप लोगों के लिए SBI PO प्रीलिम्स की प्रैक्टिस PDF लेकर आया है फॉर सर्टेन टॉपिक्स सच एज सिलोजिज्म, सिंप्लीफिकेशन, देन आपकी नंबर सीरीज, इस तरह के 2-3 टॉपिक्स हो रहे हैं। तो वो फ्री PDF का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप डाउनलोड करके उसे कंप्लीट कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और प्री के सेंस में काफ़ी रिलेवेंट आपको वहाँ से प्रैक्टिस मिल जाएगी। सो बैक टू द वीडियो। अब नबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट का आपका एग्ज़ाम 6 नवंबर को है। लास्ट टाइम 2019 में रिक्रूटमेंट हुआ था, तो उसका एनालिसिस अगर आप देखें तो काफ़ी क्लर्क प्री के सिमिलर लेवल आपको देखने को मिलेगा। ऑल दो फेज़ वन का जो पैटर्न है ना, एग्ज़ाम पैटर्न, वो थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि इंग्लिश में 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स है और रीजनिंग और क्वांट्स दोनों में 30-30 क्वेश्चन ईच है विद 30-30 मार्क्स ईच। कंपोजिट टाइम दिया जा रहा है 60 मिनट का 1 घंटे में, तो लेवल ऑफ पेपर आप हिसाब लगा सकते हैं। लास्ट टाइम कट ऑफ खूब गई थी, मतलब ज़्यादातर स्टेट्स का 75 से 83-84 के बीच में था, तो 2019 में था, तो इस बार देख लो क्या होने वाला है ना। सबको आइडिया, सब आइडिया लगा ही सकते हैं। और पेपर का लेवल डेफिनेटली क्लर्क प्री लेवल रहेगा। उस टाइम इंग्लिश जो था वो थोड़ा सा बच्चों को ऐसा लगा था इजी टू मॉडरेट है, बाकी रीजनिंग और क्वांट्स तो दोनों इजी लगे थे काफ़ी। अब इस साल देखते हैं क्या होता है, बाकी मोर और लेस क्लर्क प्री लेवल आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। टाइम आपको इम्पॉर्टेंट ये है, क्योंकि सेक्शनल टाइम नहीं है, आपको अपनी तरफ से टाइम डिसाइड करना है, तो वो आप मॉक्स के थ्रू फिगर आउट कर सकते हो कि बेस्ट क्या है। स्टार्ट करो आप 20-20-20 सबको देने से, फिर उससे आपको आइडिया लगने लग जाएगा कि नहीं यार यहाँ 20 नहीं 18 से काम चल जाएगा, वहाँ 2-3 मिनट और देने पड़ेंगे। इस तरह का आप एडजस्टमेंट आराम से कर सकते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 20-20-20। ऐसा नहीं कि 2 दिन बाद ही एग्ज़ाम, आज 29 आज से शुरू हो जाओ, 29-30-31 1-2-3-4-5 मतलब सीधे 8 दिन है आज के दिन को मिला के, तो आप एटलीस्ट 5-6 मॉक्स तो दे सकते हो। इसमें आप आराम से फिगर आउट कर ही लोगे कि कौन सा अपना अटेम्प्ट का स्ट्रैटेजी बेस्ट रहेगा, कि कितना कितना टाइम देना चाहिए। मेरा सजेशन 20-20-20 से स्टार्ट करो, उसके बाद पता चलने लग जाता है कितना कितना एडजस्ट किया, क्योंकि इंग्लिश में 40 क्वेश्चंस हैं 30 नहीं है, और रीजनिंग और क्वांट्स में 30-30 रहेंगे। बाकी लेवल कुछ खास नहीं आएगा, आपने तैयारियां ऑलरेडी कर रखी है। बहुत ज़्यादा इन रिक्रूटमेंट से एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, बिकॉज नंबर ऑफ वैकेंसीज कम रहती है, और आपने भी देख लिया है जिनमें वैकेंसीज ज़्यादा है उनमें कैसे कैसे कट ऑफ जा रही है, तो कम वालों में क्या जाएगी, है ना। तो अपने लिए तो एक अच्छी चीज़ ये है कि एक अपॉर्चुनिटी और मिल रही है अपने को। प्रेशर में कैसा अपने ने इम्प्रूवमेंट किया है वो फिगर आउट करने का एक और मौका मिल रहा है ना, कि यार सर हमारे ये मॉक्स देते हैं वो तो अच्छी चीज़ है, बट रियल टाइम जो रियल गेम होता है ना, ये तो वार्म अप्स है, रियल गेम में एक आइडिया लगता है कि भैया कहाँ स्टैंड करते हैं। तो ये एक मौका हमारे लिए नबार्ड के थ्रू रहेगा, जिससे पता चल पाए, जिससे आगे कोई बड़े एग्जाम आपको देने हैं, जैसे लेट्स से SBI PO प्री, SBI क्लर्क प्री, कि उसके लिए तैयार हैं कि नहीं है, है ना। तो उस हिसाब से, उस एक्सपेक्टेशन से पेपर देने जाना, एंड आई एम श्योर बहुत बढ़िया करोगे, ठीक है। तो जाने से पहले फिर से रिमाइंडर है, SBI PO प्री के लिए जो प्रैक्टिस किट है या प्रैक्टिस PDF है फॉर टॉपिक्स सच एज सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक, आपके नंबर सीरीज, सिलोजिज्म, इस तरह के कुछ टॉपिक्स की PDF बनाई है ओलीबोर्ड वालों ने, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वो आप ज़रूर डाउनलोड करके कंप्लीट कर लीजिएगा। और साथ ही साथ एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, वहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन, टेक केयर।